यस यारडी शर्मा एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 13 पेज 10.30 पे क्वेश्चन नंबर 30 इसके पहले 11 किया 12 किया 13 क्वेश्चंस सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते हैं. अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है. एक टावर है ऐसी दिस इज द टावर. ये टावर है. टावर पे सपोज एक इंसान ऊपर बैठा है. ये टावर पे कोई भी एक इंसान है आदमी है. ये ऊपर से नीचे देख रहा. अगर ऊपर से नीचे देखेंगे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर नीचे से ऊपर देखेंगे इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. जैसे हम अगर सीधा देख रहे तो एंगल जीरो है. हम ऊपर देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर सीधा जो देख रहे तो उससे नीचे देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन. याद रखिए एकदम आंखों की नजरों की स्ट्रेट लाइन एंगल जीरो. इससे ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन और स्ट्रेट लाइन से अगर नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो वैसे ये टावर के ऊपर एक आदमी है जो ऊपर से नीचे देख रहा. ठीक है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है डी. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है सी. तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है. इस ऑब्जेक्ट को देख रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है. ना कोई भी एंगल भले एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसको मेजर करेंगे और इसके लिए एक रेफरेंस लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी. ये ध्यान रखिए हमेशा हॉरिजॉन्टल. जैसे ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ये. ठीक है यहाँ से एंगल है या फिर वैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ये रेफरेंस लाइन है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. इसको क्या बोलेंगे लाइन ऑफ साइट. नजरों का जिस डायरेक्शन में नजरें देख रही हूँ लाइन ऑफ साइट. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है तो सपोज ये आदमी ऑब्जेक्ट डी को देख रहा है ऊपर से तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ 45 डिग्री. इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. और वैसे यही आदमी डी को नहीं अब सी को देख रहा है तो जितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट का. लेकिन ये अगर 45 सपोज ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो ये दोनों सेम रहेंगे. क्यों? क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये जो नीचे ग्राउंड लाइन ये भी मतलब देखिए दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है. दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ये दोनों लाइन. अगर दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल मतलब पैरल है और अगर दो लाइन पैरल है तो ये जो एंगल है ये एंगल इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्या बोलेंगे इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दोनों की वैल्यू सेम रहती. तो भले एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 आप एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ड्रॉ कर सकते हैं. और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है इस लाइन का 60 ये 60 ये देखिए ये भी 60 इसको लगे. ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा. सो क्वेश्चन में अगर कभी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से डिप्रेस नहीं होना है. घबराना नहीं है. एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए एंगल बनाइए जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे सेम एंगल की वैल्यू यहाँ पे लिख दिए. ठीक है लाइक दिस. तो सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ग्राउंड की ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन क्या रहेगी एक्चुअली पैरेलल. और यहाँ से ऊपर से नीचे देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है लेकिन जितना ये एंगल होगा सेम एंगल यहाँ पे रहेगा हमेशा. वैसे जितना एंगल ये लाइन का रहेगा ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम एंगल यहाँ पे रहेगा. इसलिए फिगर में डिफरेंस नहीं आएगा. अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 45-60 तो जैसे आप एलिवेशन में नीचे से ऊपर का एंगल बनाते बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे. अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया. एक टावर है जिसकी हाइट 150 मीटर है. टावर के ऊपर एक इंसान है जो दो ऑब्जेक्ट को देख रहा है. एक ऑब्जेक्ट डी है एक ऑब्जेक्ट सी है. इसको नीचे देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 आ रहा सेम वैल्यू यहाँ आएगी. इसको जब नीचे देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 आ रहा सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी. हमको ये दोनों ऑब्जेक्ट सी और डी जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच का डिस्टेंस एक्स निकालना है. क्या कैलकुलेट करना है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस एक्स. ये क्वेश्चन देख लिए शॉर्ट में लिखा हमने. ऑन द सेम साइड ऑफ टावर यानी टावर के एक ही साइड में ऑन द सेम साइड ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. कितने ऑब्जेक्ट्स है दो. ये दो ऑब्जेक्ट सी भी तो टावर के एक ही साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन दो ऑब्जेक्ट्स का ठीक है लाइक दिस आर 45 एंड 60. एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 एक का 60 है. हाइट ऑफ टावर इज 150 मीटर. देखिए टावर की हाइट 150 मीटर है. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट. ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यानी एक्स निकालना है. वाई कैलकुलेट नहीं करना है. सो दो अननोन है एक्स और वाई लेकिन हमको दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. टावर के फुट से नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है. तो हमको वाई कैलकुलेट नहीं करना है एक्स कैलकुलेट करना है. आपको बताया था इसके पहले एक्स कैलकुलेट करना है वाई कैलकुलेट नहीं करना है. जो कैलकुलेट नहीं करना उसके इक्वेशन बनाएंगे मतलब इक्वेशन हम वाई का बनाएंगे. ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. सो यहाँ पे फिर से दो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है. दो राइट एंगल ट्रायंगल एक आएगा एबीसी छोटा वाला ट्रायंगल. यहाँ से देखिए 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्योंकि टावर की हाइट हमको दिया इसको यूज करेंगे. और इक्वेशन बनाएंगे वाई का मतलब एडजेसेंट साइड. तो कौन कौन साइड यूज करना है अपोजिट और एडजेसेंट. तो टैन टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट में आ जाएगा 150 मीटर एडजेसेंट में आ जाएगा वाई लाइक दिस. उसके बाद जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी डी तो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी सी. वहां से टैन 60 का इक्वेशन
बड़ा राइट एंगल एबीडी, एबीडी वहां से टैन 45, तो 45 का ये अपोजिट साइड है, टावर जो रहेगा टॉप 45 का अपोजिट साइड। और इसके एडजेसेंट साइड याद रखें, ट्रायंगल एबीडी में एडजेसेंट साइड बी से डी तक पूरा आएगा, पूरा आएगा मतलब वाई और एक्स दोनों ऐड होगा, मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, क्या जाएगा, दिस इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों ऐड होगा दिस। तो सिंपल देखिए, दो ट्रायंगल का क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल के दो इक्वेशन, हमको y x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसका इक्वेशन बना देंगे। तो सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूशन, तो फर्स्ट पॉइंट छोटा ट्रायंगल, कौन सा छोटा ट्रायंगल, कौन सा, a से b, b से c, c से a, b, c, ट्रायंगल a, b, c, छोटा ट्रायंगल a, b, c, उसमें एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, आई एम यूजिंग डायरेक्टली टैन, टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इज इक्वल टू, सो 60 डिग्री का देखिए अपोजिट साइड ये है ए बी, और इसके एडजेसेंट साइड बी सी है, ए बी अपॉन बी सी। नॉट टैन 60 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इफ यू रिफर द टेबल, टैन 60 की वैल्यू है रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी और बी सी, और देखी गया है, देखिए ए से लेकर बी तक की हाइट यानी 150 मीटर दिया है, और बी सी यानी वाई, ए बी सी यहां पे वाई है, दैट इज इक्वल टू 150 अपॉन वाई, ये देखिए ए बी की वैल्यू 150 मीटर है और बी सी की वैल्यू वाई है, चेक कर ले, ए बी मतलब क्या, टावर की हाइट 150 मीटर, और बी सी मतलब टावर के फुट से पहला ऑब्जेक्ट वाई है। अब हमको वाई कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए इक्वेशन वाई का बनाएंगे, तो वाई यहाँ लेके आ जाए रूट थ्री यहाँ पे, तो वाई इज़ मतलब दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, वाई इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट थ्री, इक्वेशन नंबर वन, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, वाई इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट थ्री। तो क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली सिंपल, टैन 60 एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ए बी अपॉन बी सी, दैट इज 150 अपॉन वाई, और टैन 60 की वैल्यू रूट थ्री है, 150 अपॉन वाई, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, वाई यहाँ रूट थ्री यहाँ, तो वाई इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट थ्री। ये पहला छोटा ट्रायंगल, अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी, बी से लेकर पूरा डी तक ए बी डी, सब सेकेंड स्टेप, ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देंगे 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री का फिर अपोजिट साइड यानी टावर की हाइट 150 और 45 के एडजेसेंट में पूरा आ जाएगा बी डी एक्स प्लस वाई आएगा, सो टैन 45, टैन 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 45 डिग्री का अपोजिट साइड में ए बी आएगा जिसकी वैल्यू 150 पुट करेंगे बाद में, और 45 डिग्री के एडजेसेंट यानी बी से लेकर डी तक आएगा बी डी, टैन 45 की वैल्यू अगर आप टेबल देखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू है 1, ए बी ये देखिए ए से लेकर बी तक टावर का हाइट ए बी, ए बी एक बी की वैल्यू 150, और बी डी की वैल्यू में एक्स और वाई दोनों ऐड करना, बी से लेकर डी तक पूरा है 150, ए बी और बी डी में एक्स और वाई दोनों ऐड होगा, अब ये x प्लस वाई हम मल्टीप्लाई कर दिए 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150, हमको इक्वेशन किसका चाहिए, y का, x और y दोनों है लेकिन इसमें से हमको x कैलकुलेट करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस x कैलकुलेट करना है, y नहीं करना है, ये कैलकुलेट नहीं करना, जो कैलकुलेट नहीं करना है इक्वेशन इसका बनेंगे, इक्वेशन इसका, जिसको कैलकुलेट नहीं करना उसके इक्वेशन, तो मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने सेम आंसर आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड, जैसे आप y की जगह 150 अपॉन रूट थ्री आप पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू 150 माइनस x, इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन है सॉल्व करना, तो जैसे सिंपली y इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट थ्री यहां पुट करके सॉल्व कर देंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड आपको बता रहे, तो क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन पहला ट्रायंगल लिया ए बी सी, tan 60 इज इक्वल टू 150 अपॉन y, इक्वेशन बनाया y का, दूसरा ट्रायंगल लिया ABD,
tan 45 is equal to 150 upon x plus y, इक्वेशन बनाया y का. क्यों y का इक्वेशन क्यों बनाया? क्योंकि y की वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना है, y कैलकुलेट नहीं करना है. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये x कैलकुलेट करना, y नहीं करना है. तो जो कैलकुलेट नहीं करना है इक्वेशन उसका बनाएंगे. तो यहां पे भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में y, यहां भी y, इक्वेशन 1 2 दोनों इक्वल है. तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y की जगह 150 अपॉन रूट 3 पुट करके सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा. इक्वेशन 1 2 सेम है. तो यहां भी लेफ्ट हैंड साइड y है, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड y, दोनों इक्वल. तो राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हो, यहां पे आ जाएगा 150 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 150 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू इसका राइट, उसका राइट हैंड साइड 150 अपॉन रूट 3, इसका राइट हैंड साइड 150 माइनस x. x की वैल्यू चाहिए तो x को यहां लाएंगे, माइनस x को तो यहां प्लस आ जाएगा, और इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा. सो विल गेट x इज इक्वल टू 150 माइनस 150 अपॉन रूट 3. सो माइनस x को यहां लेके आ गया प्लस x, और 150 रूट 3 जो प्लस है वहां लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा. ये 150 ऑलरेडी है, माइनस ये 150 रूट 3 वहां जाके माइनस. अब यहां डिनोमिनेटर में रूट 3, यहां डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका पहले कैलकुलेशन इसका अलग से कर लेंगे. तो रूट 3 बताइए, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाला टर्म है तो अंडर रूट वाला टर्म हटाएंगे, लेकिन अंडर रूट का सिंगल टर्म है रूट 3, तो अंडर रूट वाले टर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे? सिंगल टर्म है रूट 3, तो नीचे ऊपर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. सो विल गेट दिस, एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस 150 अपॉन रूट 3, ये है 150 अपॉन रूट 3. यहां तो अंडर रूट वाला टर्म नहीं है, इसको मिक्स मत करिए अभी, यहां अंडर रूट वाला टर्म है. तो ऊपर नीचे जो अंडर रूट का सिंगल टर्म है रूट 3, तो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. सो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 150 माइनस, यहां 150 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 स्क्वायर. सो 150 माइनस 150 इंटू रूट 3 और रूट 3 रूट 3 रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहां पे? कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट विल कैंसिल. सो x इज इक्वल टू 150 माइनस 150 रूट 3 अपॉन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 3. अब 3 150 को डिवाइड कर देगा, 3 यहां 150 को डिवाइड करेगा, यहां पे आएगा 50. सो x इज इक्वल टू 150 माइनस 50 इंटू रूट 3 की वैल्यू है 1.732, ये रूट 3 की वैल्यू. सो 150 माइनस 150 को 3 से डिवाइड करेंगे 50 बच जाएगा ये, और रूट 3 की वैल्यू 1.732. सो x इज इक्वल टू 150 माइनस, बताइए ये जीरो की वजह से डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, जीरो है, एक जीरो है, तो 5 इंटू 17.32. तो 50 का हमने 5 ले लिया, और जो जीरो की वजह से, ये जीरो की वजह से डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 पॉइंट की जाएगा 17.32. सो विल गेट x इज इक्वल टू 150 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू आर 10, 0 carries 1, 5 3s are 15 plus 1 is 16, 6 carries 1, 5 7s are 35, carry 1 tha 36, 6 carry 3, 5 1s are 5 plus 3 is 8. और decimal point के बाद देखिए दो digits है, यहाँ पे भी right hand side से दो digits, 1 2 यहाँ decimal point, 150 minus 86.6, ये दोनों को multiply करने से answer मिल जाएगा. So calculation बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 5 2s are 10, 0 carries 1, 5 3s are 15 और carry 1 तब 16, 16 का 6 carry 1, 5 7s are 35 और carry 1 था 36, 6 carry 3, 5 1s are 5 और carry 3, 8. और यहाँ decimal point क्या? दो digit है, यहाँ तो decimal point नहीं है, यहाँ भी right hand side से एक दो digit क्या decimal point. अब 150 में से इसको minus कर रहे हैं, बताए 150 में से 86.60 को minus कर रहे हैं, 150.00, इसमें से 86 माइनस कर. कभी भी याद रखिए यहां देखिए डेसिमल पॉइंट है, यहां डेसिमल पॉइंट नहीं है, हमेशा दोनों नंबर जिसका भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करें डेसिमल पॉइंट एक के नीचे एक चाहिए एकदम. 150 में कुछ नहीं तो 150.00 लिखा इसका, क्योंकि यहां डेसिमल पॉइंट क्या दो डिजिट है, इसे दो जीरो लिखा, माइनस 86.60. अब बताइए 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 6 नहीं कर सकते, बोरो लेंगे, लेकिन ये तो 0 है, ये बोरो नहीं दे सकता, बोरो यहां से लेंगे. सो 5 0 को बोरो देगा 1, 5 जब 0 को बोरो देगा तो यहां बच जाएगा 4,
और ये हो जाएगा 10, 5 इसको बॉर्डर देगा तो यहाँ एक कम हो जाएगा जहाँ से बॉर्डर ले 4, और जब 1 इसके साथ मिलाएंगे तो 1 और 0 मिला के 10, फिर 10 ये 0 को बॉर्डर देगा तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ 10 से एक कम है 9 बन जाएगा। आई एम रिपीटिंग, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 6 नहीं कर सकते, बॉरो चाहिए, लेकिन ये बाजू जो बगल में डिजिट्स है वो खुद ही 0 है, उसके पास कुछ नहीं है, तो बॉरो यहाँ से लेंगे। सो 5 बॉरो मतलब उधार, तो इसके पास कुछ नहीं, इसलिए उधार नहीं देगा, तो 5 0 को बॉरो देगा 1, तो यहाँ एक कम होकर 4, और जब 1 बॉरो यहाँ जाएगा तो 0 और मिला के 10, फिर ये 10 इसको बॉरो देगा 1, तो 0 और 1 मिला के यहाँ 10, और यहाँ 10 से एक कम 9 हो जाएगा। अब देखिए 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 6 इज 3, और यहाँ 4 बचा था बॉरो, क्या 14 माइनस 8 इज 6, 63.4। सो x इज इक्वल टू, और जितने भी ऐसे इस टाइप के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी कैलकुलेशन एग्जामिनेशन में भी आप जहाँ पे एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे राइट में मार्जिन मार के आपको कैलकुलेशन पूरा वहीं करना है। बहुत सारे बच्चे लास्ट पेज में रफ लिख कर कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ मत करिए, जहाँ आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉब्लम के साथ, तो वैल्यूर को दिखना चाहिए कि आपने वो कैलकुलेशन किया है। 63.4 मीटर, तो एक्स मतलब क्या, जो ऊपर से वो इंसान दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया एक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 63.4। इसका लास्ट में कभी भी आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम में आंसर में लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन, और स्टेटमेंट में क्या रहेगा, जो सेंटेंस हमारे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में जैसे है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो आंसर में भी लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज। सो हमको कोई नए वर्ड ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एक्स इज इक्वल टू 63.4। एग्जाम में हमेशा याद रखिए, पूरा कैलकुलेशन के बाद आंसर के बाद एक स्टेटमेंट लिखिएगा, और ये स्टेटमेंट के वर्डिंग्स आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। क्वेश्चन में दे रहेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एक्स इज इक्वल टू 63.40। तो सिंपल इस टाइप के देखिए क्वेश्चन बहुत आसान रहते, एक छोटा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ से एक टैन, एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ से दूसरा टैन, और इसमें दोनों टैन की इक्वेशन में एक्स वाई आएगा, लेकिन हमको एक्स कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट नहीं करना, जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन। इसलिए पहले ट्रायंगल में भी वाई की इक्वेशन, सेकंड ट्रायंगल में वाई की इक्वेशन, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है वाई वाई, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिया, आंसर आ जाएगा, या दूसरे मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते, विल गेट द रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था 150 माइनस 150 अपॉन रूट 3, देखिए 150 माइनस 150 अपॉन रूट 3, अब इसको एलसीएम मत लिए, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट वाला सिंगल टर्म है रूट 3, इसको यहाँ बहुत आराम से निकाल सकते, तो सिंगल टर्म है रूट 3, तो नीचे ऊपर अंडर रूट वाला टर्म हटाने के लिए नीचे ऊपर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 150 माइनस 150 इंटू रूट 3, और रूट 3 स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा, 3 150 को कैंसिल करके 50 आ जाएगा, और रूट 3 की वैल्यू 1.732, ये मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में 150 में से उसको माइनस कर दिया, विल गेट द रिजल्ट 63.40। थैंक यू। यस, यारडी शर्मा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए इसके लिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर 15 टफ है, लेकिन इसके पहले बच्चों को बताया है कि जब तक ज़िंदगी में टफ चीज़ नहीं तो मज़ा नहीं आता है। आपको ऑलरेडी अच्छे से मालूम है, हमारा एक कोटेशन बहुत फेमस है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ ओनली द टफ गेट्स गोइंग, जब रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है तो सिर्फ मजबूत इरादे के लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमको वी हैव टू वर्क हार्ड, वी शुड बी हार्ड वर्किंग, वी शुड बी टफ, और मैथ्स का मज़ा ही नहीं जब तक टफ क्वेश्चन नहीं किया, टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे मज़ा नहीं, इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस। हाँ, ये टफ है, इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 2 बार, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है 5 बार, और आपको कोशिश ये करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा आंसर करेक्ट लाना है। तो क्वेश्चन ये टफ नहीं है, इसमें थोड़ा सा जैसे tan 32 की एक वैल्यू 0.6248, tan 63 1.9626, यानी tan के अभी तक हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री सब यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे कोई ऑड वैल्यू, लेकिन tan 32 की वैल्यू ऑलरेडी दी है tan 63, लेकिन थोड़े फ्रैक्शन में है देखिए, तो यहाँ प्रॉब्लम टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ है। सो कैलकुलेशन आपका टेस्ट होगा यहाँ पे कि कैलकुलेशन आपका बराबर है कि नहीं, सो यू हैव टू बी केयरफुल, इज इट क्लियर। बाकी जैसे इसके पहले क्वेश्चन किया आपने, टावर के दो ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल देखिए ए बी सी एक है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, वैसे ही है बिल्कुल सेम, वैसे दो इक्वेशंस बनेंगे, लेकिन कैलकुलेशन क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में नंबर्स है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन कैलकुलेशन अच्छे से करना है। तो सॉल्यूशन,
बने क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, एक टॉवर है, टॉवर के टॉप को ऑब्जर्वर यानी जो देख रहा है वो यहां से देख रहा है, इसको बोलेंगे फर्स्ट पोजिशन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया फर्स्ट पोजिशन का डिस्टेंस भी निकालना है। सो ये फर्स्ट पोजिशन, यहां से टॉवर के टॉप को देख रहा, एंगल बन रहा 30 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है एक्चुअली 32 डिग्री, और साथ ही तो एंगल ऑफ एलिवेशन 32 है, लेकिन टैन 32 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि एंगल 32 दिया यहाँ पे। फिर ये ऑब्जर्वर फर्स्ट पोजिशन से 100 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, किधर, टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टॉवर, इसको बोलेंगे फुट ऑफ द टॉवर, यानी टॉवर का जो बॉटम है इसको बोलेंगे फुट ऑफ द टॉवर। तो ऑब्जर्वर फर्स्ट पॉइंट से टॉवर के टॉप को देख रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन 32 है, उसके बाद ये ऑब्जर्वर टॉवर के फुट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 100 मीटर, इसलिए 100 मीटर है, और ये सेकेंड पोजिशन आगे, यहाँ से फिर टॉवर टॉप को देख रहा तो एंगल बन रहा 63, एंगल ऑफ एलिवेशन 63, लेकिन टैन 63 की वैल्यू दी है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, दो चीज, हाइट ऑफ द टॉवर HB कैलकुलेट करना है, और फर्स्ट पोजिशन का टॉवर के फुट से डिस्टेंस, सेकेंड पोजिशन का नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे जस्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन को बोलेंगे जस्ट या नियरेस्ट, लेकिन इसको बोलेंगे फार पोजिशन, ये इसको बोलेंगे फर्स्ट पोजिशन, क्योंकि ऑब्जर्वर पहले यहाँ से देख रहा था टॉवर टॉप, फिर 100 मीटर टावर की तरफ बढ़ा, और फिर दूसरी बार उसने यहाँ से देखा, ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन। सो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन, इनफैक्ट हाइट ऑफ टावर निकालना है और फर्स्ट पोजीशन का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी हमको एक्स और 100, इनफैक्ट ये 100 है ये एक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, इट इज बेसिकली 100 प्लस एक्स हो जाएगा, 100 प्लस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से फर्स्ट पोजिशन से टॉवर के फुट तक, दिस 100 प्लस एक्स। सो देखिए, जैसे इसके पहले सॉल्व कर रहे थे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है, एक छोटा ट्रायंगल है ABC, तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एंगल 63 है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, एंगल 63 डिग्री, एक ऑड वैल्यू, लेकिन टैन 63 की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट tan 63 इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, XB कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों ऐड करेंगे तो टॉवर के फुट से फर्स्ट पोजीशन का डिस्टेंस आएगा जब ये दोनों ऐड करेंगे, तो X और H दोनों कैलकुलेट करना हमको यहाँ पे। तो सपोज ट्रायंगल ABC में tan 63, तो tan का फॉर्मूला क्या, दैट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहेगा, देखिए। सो ये छोटा ट्रायंगल ABC, इसके पहले करते tan 63, इसका अपोजिट साइड AB है और एडजेसेंट साइड क्या, BC। सो tan का फॉर्मूला क्या है, tau, सो का तो, सो TOA, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूला है। नाउ 63 डिग्री का अपोजिट साइड और 63 डिग्री का एडजेसेंट साइड, देखिए 63 का अपोजिट साइड ये है AB, दैट इज इक्वल टू AB, और 63 का एडजेसेंट साइड ये है BC, और AB की वैल्यू को हम डिनोट कर रहे हैं H से, हाइट ऑफ द टावर H, और BC को हम डिनोट कर रहे हैं X से, और tan, हाँ tan 60 रहता है उसके लिए √3, लेकिन यहाँ tan 63 है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं कि उसकी वैल्यू दिया है। सो tan 63 की वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में दिया है, इट इज 1.9626, कैलकुलेशन वी हैव टू बी केयरफुल, गलती नहीं करना है। सो tan 63 की वैल्यू 1.9626 इज इक्वल टू H अपॉन X। अब देखिए x का इक्वेशन अगर हमने बनाया तो 1.9626 डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब डिवीजन डिफिकल्ट हो जाएगा। याद रखिए, कभी भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एडिशन आसान होता है, सब्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होता है उससे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, डिवीजन डिफिकल्ट। तो यहाँ x को यहाँ लेके आ जाएंगे और इक्वेशन h का बनाएंगे तो x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। सो 1.9626 इनटू x इज इक्वल टू h, ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, और H इज इक्वल टू 1.9626 इंटू एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, H इज इक्वल। सो हमको यहां H की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, X भी कैलकुलेट करना, दोनों कैलकुलेट करना, अगर दोनों कैलकुलेट करना आप इक्वेशन किसी का भी बना सकते। तो यहां पे अगर इक्वेशन H का बनाएंगे तो X के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इक्वेशन हम X का बनाते X का तो पता है H के साथ ही डिवीजन हो जाता, फ्रैक्शन का डिवीजन डिफिकल्ट है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आसान है, इसी इक्वेशन। तो सिंपल, पहला स्टेप क्या, छोटा ट्रायंगल ABC उसमें tan 63 का इक्वेशन, अब बड़ा ट्रायंगल ABD उसमें tan 32 का इक्वेशन, tan 32 की वैल्यू दी हुई है। इसका सेकंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD,
यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, एंगल इज इक्वल टू 32 डिग्री। ध्यान रखिए हमेशा, जितना आप टावर के करीब होंगे एंगल बड़ा होगा, जितना टावर के दूर जाएंगे एंगल छोटा, इसके आगे और जाएंगे तो एंगल और छोटा होगा। सो टावर के पास में एंगल बड़ा नंबर, टावर से दूर एंगल छोटा नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सभी चीज में। नेक्स्ट, हम जितना पास जाएंगे, अगर इसके टॉप को देखना उसको हमको सर ऊपर करना पड़ेगा, जितना जैसे सिंपल कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को अगर हम दूर से देखेंगे आराम देख सकते, लेकिन जितना उसके पास जाएंगे हम उतना हमको ऊपर देखना पड़ेगा। सो एंगल बढ़ेगा ये। सो ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए से बी, बी से डी, डी से ए, यहाँ 32 डिग्री है। सो टैन 32, टैन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो 32 डिग्री का अपोजिट साइड चाहिए, 32 डिग्री का एडजेसेंट चाहिए। सो 32 डिग्री का अपोजिट यानी ए बी, जिसकी वैल्यू एच लिखेंगे बाद में, और 32 डिग्री का एडजेसेंट, बताइए ट्राइंगल ए बी डी बड़ा ट्राइंगल है तो एडजेसेंट में पूरा आ जाएगा बी डी, जिसमें 100x दोनों ऐड होगा, ये 100+x, तो उसकी वैल्यू बेसिकली होगी बी से लेकर डी तक। टैन 32 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, टैन 32 की वैल्यू 0.6248, टैन 32 की वैल्यू दिया 0.6248 इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए ए से लेकर बी तक मतलब टॉवर का हाइट, और बी से लेकर डी तक में 100x दोनों ऐड कर रहा है, ये ए बी यानी एच है और बी डी यानी 100+x। अब यहां एच के इक्वेशन में इसको यहां लेके आ जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6248 इंटू 100+x इज इक्वल टू एच। तो एच का एक दूसरा इक्वेशन आ गया, यहां पे भी देखिए एक एच का इक्वेशन, ये भी एच का इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन आ जाएगा एच इज इक्वल टू 0.6248 इंटू 100+x इक्वेशन नंबर टू। दो इक्वेशन आ गए एच के। अब इक्वेशन नंबर वन के लेफ्ट हैंड साइड में भी एच है, इक्वेशन नंबर टू के भी लेफ्ट हैंड साइड में एच है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर सकते हैं। सो विल गेट 1.9626x। क्या क्या दोनों का इक्वेशन वन टू का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एच है, सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, तो इसका राइट हैंड साइड लिखा 1.9626x इज इक्वल टू, अब इसका राइट हैंड साइड लिखा इज इक्वल टू 0.6248 100+x। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, विल सी इट, अभी ब्रैकेट को ओपन कर लिए, सो विल गेट 1.9626x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई होगा 0.6248। कैलकुलेशन में शॉर्टकट नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, टाइम लगेगा, पेशेंस भी लगेगा, लेकिन यू हैव टू बी टफ। तो 0.6248 100 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x से भी मल्टीप्लाई होगा 0.6248 इंटू एक्स। अब हमको x कैलकुलेट करना, तो x के सारे टर्म एक तरफ ले लेंगे, तो पता है x का जो टर्म रहेगा ये बड़ा टर्म है, देखिए 1.96 से छोटा है, तो x को यहाँ लाएंगे, सो विल गेट 1.9626x। अब ये प्लस है, देखिए प्लस यहाँ पे लेफ्ट में आएगा तो क्या जाएगा, माइनस 0.6248x इज इक्वल टू 100, 100 में दो जीरो है, बताए अगर दो जीरो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो डेसिमल पॉइंट दो डिट आगे चलेगा, 100 में दो जीरो है तो डेसिमल पॉइंट दो, यानी आ जाएगा 62.48। ये प्रॉब्लम टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ है, तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फॉर 5 times, 5 बार, ताकि आपका कैलकुलेशन, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड आखिरी स्टैंडर्ड है जिसमें आप कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, 11th 12th में कैलकुलेशन बहुत सारे वहाँ प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ अप्लाई करना है, यू हैव टू यूज इट, इसलिए कैलकुलेशन यहाँ परफेक्ट करिए। अब यहाँ दोनों में एक्स कॉमन ले लिए, यू टेक एक्स कॉमन, मतलब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन ले लिए एक्स को, so what you'll get 1.9626 minus 0.62 is equal to, so x common ले लेते हैं, 1.9626 बचा minus, यहाँ x common लिया minus 0.6248 is equal to 62.48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब पहले इसका सब्सट्रैक्शन कर ली, x into, देखिए सब्सट्रैक्शन, कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो जहां पे आप
कैलकुलेशन जहाँ भी यूज़ कर रहे वहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सो आई एम टेकिंग 1.9626 यहाँ लिख रहे 1.9626 माइनस बराबर कैलकुलेशन में डेसिमल पॉइंट एक ही नीचे एक 0.6248 तो 1.9626 माइनस 0.6248 नौ सिक्स माइनस एट नहीं कर सकते क्योंकि सिक्स छोटा है एट बड़ा है। सिक्स माइनस एट तो यहाँ से उधार लेंगे बोरो, जब बोरो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ बचेगा 1, 16 माइनस एट का आंसर 8। अब उसके बाद ये 1 है, 1 माइनस 4 नहीं कर सकते तो उधार लेंगे यहाँ पे बोरो लेंगे 6, ये 6 जब इसको बोरो देगा तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ बचेगा 5, 11 माइनस 4 इज 7, फिर ये 5 तो बड़ा है 2 छोटा है, 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 6 इज 3, 1 माइनस 0 इज 1, 1.3378। सो आई एम रिपीटिंग, 6 माइनस 8 नहीं कर सकते, 6 छोटा है तो यहाँ से उधार बोरो लेंगे तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ 2 से एक कम 1 हो जाएगा, 16 माइनस 8 का आंसर 8, यहाँ 2 से एक कम बोरो के बाद यहाँ 1 बचा था, अब यहाँ से बोरो आएगा तो 11 आ जाएगा, 11 माइनस 4 इज 7 और यहाँ 6 से बोरो लेंगे तो 5 बचेगा, 5 माइनस 2 में बोरो की जरूरत नहीं, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 6 3, 1.3378। सो x इंटू 1.3378 इज इक्वल टू 62.48। तो x इंटू दिस, तो आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, इसको यहां भेज देंगे या डिनोमिनेटर में आ जाएगी, सो x इज इक्वल टू 62.48 डिवाइडेड बाई 1.3378 अपॉन 1.3378। अब यहाँ डिवीजन करना है, डिवीजन फिर थोड़ा स्टफ है तो डिवीजन यहाँ पे करेंगे ना, इसको डिवीजन करने के लिए याद रखिए डेसिमल पॉइंट के साथ में भी डिवीजन कर सकते हो उसके बगैर भी ना, सपोज यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या 4 डिजिट है तो हम डेसिमल पॉइंट हटा दे रहे यानी डिनोमिनेटर ले रहे 1.3378 तो बगैर डेसिमल पॉइंट के, अगर ऊपर नीचे दोनों डेसिमल पॉइंट है आप डेसिमल पॉइंट के बगैर कैलकुलेशन करें लेकिन डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे, बताए डेसिमल पॉइंट यहाँ 4 डिजिट शिफ्ट कर रहे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं आप 4 डिजिट से तो यहाँ भी शिफ्ट करना पड़ेगा 4 डिजिट से और 4 डिजिट के लिए यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा या न्यूमरेटर हमारा जाएगा 624800। आई एम रिपीटिंग, तो यहाँ दुनिया का डेसिमल पॉइंट है, डिवीजन टफ है, हम डेसिमल पॉइंट हटा दे रहे लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, यहाँ 4 है तो जिसमें ज्यादा डिजिट है उसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट से शिफ्ट कर दे रहे यानी बेसिकली आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करें 4 डिजिट शिफ्ट करें तो यहाँ भी 4 डिजिट से करना पड़ेगा लेकिन ऑलरेडी 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा, इसलिए 624800 अपॉन 1.3378 ना x इज इक्वल टू, अब डिवीजन करेंगे सो डिवीजन द सीट थोड़ा टफ है आई एम टेकिंग इट 624800 डिवाइडेड बाई 1.3378। अब यहां देखिए कितने डिजिट है 5, यहां पे भी लेंगे 5, यहां पे 5 तो यहां भी लेंगे 5, बाकी ये देखिए 13,000 है छोटे डिजिट को छोड़े 13, ये 62,000 है 480 छोड़ दिए 13,000 62,000, अगर आप 13 का टेबल देखेंगे 62 में बाकी छोड़ दिए 13 का टेबल 62 में, सो 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, बताइए 5 तो बड़ा हो जा रहा है इससे तो 4 इट विल गो 4 टाइम्स, इसलिए सिंपल यहाँ पे कितने डिट्स है 5, यहाँ पे कितने लेंगे 5, उसमें शुरू के 2 डिट्स लिए बाकी छोड़ दिए, ये है 62,000 ये 13,000, तो 13 का टेबल 62 में कितने बार जाएगा, सो 13 5 65 बड़ा हो जा रहा है, 13 4 अगर आप देखेंगे 52 आएगा तो 4 टाइम्स जाएगा, अब 4 टाइम जाएगा 4 से सबको मल्टीप्लाई करिए 4 8 32, 2 कैरीज 3, 4 7 28 और कैरी 3 था 31, 1 कैरीज 3, 4 3 12 और कैरी 3 था 15, 5 कैरीज 1, 4 3 12 और कैरी 1 था 13, 3 कैरीज 1, 4 1 4, 4 3 12 और कैरी 1 था 13, 3 कैरी 1, 4 1 4 और कैरी 1 था 5। सो आई एम रिपीटिंग, देख ली कैसे यहां पे कितने डिजिट्स है 5, यहां पे डिजिट्स लिए 5 और फिर आखिरी की 3 डिजिट दोनों में छोड़ दिए सिर्फ शुरू के डिजिट्स, ये 13,000 62,000, सो 13 का टेबल 62 में कितना टाइम जाएगा, एक्चुअली 13 5 65 होता बड़ा हो गया, 13 4 52 इसी 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स
अब क्या करिए, फोर टाइम्स जाएगा, मालूम हो गया, फोर से सबको मल्टीप्लाई करिए, फोर एट जा 32, टू कैरी थ्री, फोर सेवन जा 28 और कैरी थ्री था, 28 प्लस थ्री 31 आएगा, वन कैरीज थ्री, फोर थ्री जा 12 और कैरी थ्री था 15, फाइव कैरीज वन, फोर थ्री जा 12 कैरी वन था 13, थ्री कैरीज वन, फोर वन जा 4 प्लस वन 5। अब इसका सब्सट्रैक्शन बताइए, जीरो माइनस टू नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो लेंगे उधार लेंगे, नैची बोरो जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 7, 10 माइनस टू इज 8, 7 माइनस वन इज 6, 4 माइनस 5 नहीं कर सकते, फिर से बोरो लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 14 माइनस 5 इज 9, 1 फिर से 1 माइनस 3 कर सकते, यहाँ से बोरो लेंगे तो आ जाएगा 11, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 और यहाँ 5 बचा था क्योंकि बहुत यहाँ से, यू हैव टू बी केयरफुल, तो 0 माइनस 2 नहीं कर सकते, बोरो लेंगे यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 और यहाँ 7 बचा था, 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 5 नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो लेंगे 14, 14 माइनस 5 इज 9 और यहाँ 1 बचा था, 1 माइनस 3 नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो लेंगे 11 माइनस 3 इज 8 और यहाँ 5, 5 माइनस 5 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डेट लाएंगे, अब देखिए यहाँ 5 डेट है, यहाँ पे भी शुरू के 0 का मतलब नहीं है, शुरू के 0 को छोड़ दिए, फिर से 5 डेट लिए, आखिरी के 3 डेट को छोड़ दिए, 13,089,000, सो 1389 में कितने रैम्स आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, सो 13 वन सा 13, 13 फाइव सा 65 होता है, 13 सिक्स सा 78 और 13 सेवन सा 91, पर 13 सेवन सा 91 बड़ा हो जा रहा है, तो 13 सिक्स सा 6 टाइम्स आएगा, कितने रैम जाएगा, 6 टाइम्स, इज इट क्लियर, तो यहाँ पे 5 डेट है, यहाँ भी 5 डेट लिया, ये 0 लाना पड़ता लास्ट में, ये 5 डेट, ये शुरू का 0 छोड़ दिए, अब आखिरी के 3 डेट को छोड़ दिए, 89,000 यहाँ 13,000, ठीक है, इसको बोल रहे हैं 1,000, चिल्लर नहीं ले रही, इसको भी 1,000, सो 1389 में कितने रैम जाएगा, सो 13 वन सा 13, 13 टू सा 26, 13 थ्री सा 39, 13 फोर सा 52, 13 फाइव सा 65, 13 सिक्स सा 78, ठीक है, 13 सेवन सा 91, 91 बड़ा है, तो 9, तो 13 सेवन टाइम्स नहीं आएगा, 6 टाइम्स आएगा, ये 6 टाइम्स, अब 6 टाइम जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी ऑलरेडी हमने 6 लिखा हुआ यहाँ पे, 6 ऑलरेडी लिखा है, 6 टाइम 6 से मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48, 8 कैरी 4, 6 7 जा 42 और कैरी 4 था 46, 6 कैरी 4, 6 3 जा 18 और कैरी 4 था 22, 2 कैरी 2, 6 3 जा 18 और कैरी 2 था 20, 0 कैरी 2, 6 1 जा 6 और कैरी 2 था 8, अब इसका सब्सट्रैक्शन, यहाँ देखिए 0 माइनस 8 नहीं कर सकते, बोरो लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 6 इज 1, 6 माइनस 2 इज 4, 9 माइनस 0 इज 9 एंड दिस इज 0, सो देख लीजिए यहाँ पे एक बार, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, 10 माइनस 8 इज 2, देन 7 माइनस 6 इज 1, 6 माइनस 2 इज 4, आई जस्ट चेक इट, इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब बोरो लिया था तो देखिए 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 1 इज 6, 4 से बोरो गया था यहाँ पे, यहाँ पे 7, यहाँ से 4 माइनस 5 नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो लेंगे 14, यस बराबर है, 14 माइनस 5 इज 9, 11 माइनस 3 इज 8, इट इज करेक्ट, सो दिस इज 10 माइनस 8 इज 2, देन 7 माइनस 6 इज 1, 6 माइनस 2, 9 माइनस 0 इज 9 and 8 minus 8 is 0, 9412, ओके, अब यहाँ पे देखिए डिजिट्स खत्म हो गए, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगेंगे, और डेसिमल पॉइंट लगेंगे यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट है, अब ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 5 डेट, यहाँ भी 5 डेट, 94120, यहाँ पे देखिए आखिरी की 3 डेट छोड़ दिए, 94,000, 13,000, सो 13 अभी आपको 13 यहाँ पे 94 में जाएगा 7 टाइम, 13 7 से 91 होता है, और 13 8 जा 104 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 5 डेट लाइक दिस, यहाँ पे इट विल गो 7 टाइम्स, अब 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा 56, 6 5, 7 7 जा 49 और कैरी 5 था 54, 4 कैरी 5, 7 3 जा 21 और कैरी 5 था 26, 6 कैरी 2, 7 3 जा 21 और कैरी 2 था 23, 3 कैरी 2, 7 1 7 एंड 9, अब इसका सब्सट्रैक्शन, यहाँ से बोरो लेंगे देखिए 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 माइनस 6 इज 4, 1 माइनस 4 नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो जाएगा ये हो जाएगा 11 और यहाँ 0 बचेगा, 11 माइनस 4 इज 7, यहाँ 0 बचा, यहाँ से बोरो जाएगा तो ये 10, 10 माइनस 6 इज 4, इधर यहाँ पे 3 बचा था, 3 0 एंड 0, 474, अब यहाँ देखिए 474 डेसिमल पॉइंट के बाद का कैलकुलेशन है, डायरेक्ट एक 0 लगी, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, बस दो डिजिट्स बहुत है, 46.7,
जीरो। सो एक्स की वैल्यू आ गई 46.70 मीटर, ये एक्स की वैल्यू आ गई डिवीजन के बाद। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन डिवीजन परफॉर्मिंग द डिवीजन। तो 62480, तो बेसिकली यहां देखिए डेसिमल पॉइंट से देख लिए, यहां डेसिमल पॉइंट क्या चार डिट थे, यहां डेसिमल पॉइंट क्या दो डिट्स, तो जिसमें ज्यादा डिट है चार, हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया चार डिट से, यहां चार डिट से शिफ्ट किया तो यहां भी चार डिट से करना पड़े, लेकिन यहां दो ही डिट्स है तो चार डिट से शिफ्ट करना मतलब दो जीरो लगाना है, इसलिए ऊपर 6248 के साथ 00 आ जाएगा और नीचे 13378। डिवीजन करेंगे, डिवीजन में यहां पांच डिट है, यहां पे पांच डिट लेंगे, पांच डिट में से आखिरी की तीन डिट को भूल जाइए, 1362 में कितना जाएगा एक्चुअली फोर टाइम्स, फिर फोर से सबको मल्टीप्लाई किया सब्सट्रैक्शन, फिर लास्ट वाला जीरो लेके आ जाएंगे, फिर यहां भी पांच डिट, यहां भी पांच डिट, आग शुरू के दो डिट देखिए 89 में आएगा सिक्स टाइम, क्योंकि सेवन टाइम इससे बड़ा हो रहा है 91, तो सिक्स टाइम, फिर सिक्स से इसको मल्टीप्लाई किया सब्सट्रैक्शन, उसके बाद डिट्स पूरे खत्म हो गए, तब क्या करेंगे यहां पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहां पे एक जीरो लगा देंगे, फिर 94,000 डिट में से 13 जाएगा यहां पे सेवन टाइम, तो सेवन टाइम सेवन से इसको मल्टीप्लाई किया ये सब्सट्रैक्शन, अब ये बच गया, अब डिट्स क्यों खत्म हो गए, डेसिमल पॉइंट भी ऑलरेडी है तो यहां एक जीरो लगाएंगे, यहां एक जीरो, लेकिन इसके बाद भी देखिए 4740 है, ये 13,000 है, बड़ा है अभी भी नहीं आएगा, बस दो डिट्स बहुत है। सो एक्स की वैल्यू आ गई 46.70 मीटर एक्स, बताइए एक्स यानी क्या आ गया, टावर के फुट से सेकेंड पोजिशन इसका डिस्टेंस, लेकिन हमको दिया था फर्स्ट पोजीशन, कौन सा पोजीशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट पोजीशन, इसका डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट पोजीशन का, तो टॉवर के फुट से एक्स की वैल्यू आ गई सेकंड पोजीशन, उसमें 100 ऐड कर देंगे तो फर्स्ट पोजीशन, तो बताइए फर्स्ट पोजीशन का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बीडी, टॉवर के फुट से फर्स्ट पोजीशन का डिस्टेंस यानी बीडी एंड 100 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू में 100 ऐड कर रहे हैं, ठीक। जो भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कैलकुलेशन बार बार रिपीट कर लिएगा दो तीन बार। सो बीडी हमको क्या कैलकुलेट करना है, बीडी, बीडी मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन का डिस्टेंस डी का टावर के फुट बी से, ठीक है। सो फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स की वैल्यू हमारी 46.7 है जीरो, तो दोनों का ऐड कर दे, दैट इज इक्वल टू 146.70 मीटर, ये हमारा BD डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन आ गया। और क्या कैलकुलेट करना था हमको, हाइट ऑफ द टावर H, अब हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करने के लिए हमारा इक्वेशन एक एच का इक्वेशन ये है, एक एच का इक्वेशन ये है, लेकिन ये इक्वेशन अगर आप देखें, ठीक है, लाइक ये भी एक इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन वन आसान है, X की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक। सो इक्वेशन नंबर वन, हाइट ऑफ द टावर H इज इक्वल टू 1.9626 एक्स, यानी सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, सो H इज इक्वल टू 1.9626 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारी है 46.7, 70 लिखिए 7 लिखिए फर्क नहीं पड़ता, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, वी हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर। सो आई एम रबिंग दिस थिंग, यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इज इट क्लियर, 1.9626 को मल्टीप्लाई करना है 46.7, तो 1.9626 को मल्टीप्लाई करना है 46.7, कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखिए, पहले पूरे नंबर को 7 से फिर शिफ्ट करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर 4 से सबको ऐड कर देंगे, जैसे 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 2 14 और कैरी 4 था 18, 8 कैरी इज 1, 7 6 42 और यहाँ पे कैरी 1 था 43, 3 कैरी 4, 7 9 63 और कैरी 4 था 67, 7 कैरी 6, 7 1 7 और 6 कैरी था 30, आई एम रिपीटिंग, 7 6 42, 2 कैरी 4, चेक कर ली एक बार, 7 2 14 और 4 18, 8 कैरी 1, 7 6 42 प्लस 1 43, 3 कैरी 4, 7 9 63 प्लस कैरी 4 था 67, 7 कैरी 6, 7 1 7 प्लस कैरी 6 था 30, अब एक डिट शिफ्ट करके लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना, आप 6 से, 6 6 36, 6 कैरी 3, ओके,
देखिए 6 6 36 6 कैरीज 3, 6 2 12 और कैरी 3 था 15, 5 कैरीज 1, 6 6 36 कैरी 1 था 37, 7 कैरीज 3, 6 9 54 और कैरी 3 था 57, 7 कैरीज 5, 6 1 6 प्लस 5 11। अब दो लीड शिफ्ट करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 6 तो फिर से एक बार इसको चेक कर लिए, 6 6 36 6 कैरीज 3, 6 2 12 प्लस कैरी 3 था 15, 5 कैरीज 1, 6 6 36 प्लस 1 था 37, 7 कैरीज 3, 6 9 54 प्लस 3 कैरी था 57, 7 कैरी 5, 6 1 6 प्लस 5 11। अब मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, 4 6 24 4 कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 था 10, 0 कैरीज 1, 4 6 24 कैरी 1 था 25, 5 कैरी 2, 4 9 36 प्लस कैरी 2 था 38, 8 कैरीज 3, 4 1 4 प्लस 3 7। इनको ऐड कर देंगे, सो 2 8 प्लस 6 इज 14, 4 कैरीज 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 इज 13, 3 कैरीज 1, 7 7 14, 5 कैरीज 1, देन 7 प्लस 3 इज 10, 5 15 16, 6 कैरीज 1, देन 8 प्लस 2 10 11, 1 कैरीज 1, देन दिस इज 9, सो 9 1 6 5 3 2। अब यहां देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहां डेसिमल पॉइंट क्या देख डेट, यहां पे 4 डिट, यहां पे 1, दोनों को ऐड करिए 5, यहां डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिट है, यहां डेसिमल पॉइंट क्या देख डेट है, मतलब दोनों मिला के 5 डिट, यहां राइट हैंड साइड से 5 डिट चेक करिए, 1 2 3 4 5 यहां पे ऐड 5 डिट क्या, यानी योर आंसर इज 91.65342, सो h इज इक्वल टू 91.65, इतना लिखा बराबर है 342 मीटर। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, प्रॉब्लम टफ नहीं है, जैसे दो ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम वैसी, छोटा ट्रायंगल एबीसी टैन 63 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, हाँ टैन 63 की एक वैल्यू है, ऑड वैल्यू इसको यूज कर रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल एबीडी टैन 32 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 100, टैन 32 की वैल्यू दी वो यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम टफ नहीं, प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। सो कैलकुलेशन में दो कैलकुलेशन, एक ये डिविजन करना है, ये डिविजन का ध्यान रखिए अच्छे से, और दूसरा ये मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन दिया यहाँ पे, सो ये मल्टीप्लीकेशन डिविजन को बहुत परफेक्ट कर लिए। और सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज का सबसे टफ कैलकुलेशन ये है, इस एक्सरसाइज का सबसे टफ कैलकुलेशन, तो सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम के कैलकुलेशन कम से कम 5 बार करेंगे। ओके, थैंक यू।